हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरनाथ टॉप, देखें एक्सट्रीम। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो बिना किसी बकचोदी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो सब जानते हैं। बट इन डीप कोई भी दो एटम्स के बीच एक या मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ रेस्पेक्टिव एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओ भाई, ये कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा हमारे। और दूसरा, हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को देखने आए थे, ये क्या है और क्यों? डोंट वरी, सिग्मा और पाई भी यहीं से डेराइव होगा, इसलिए पहले इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। कोई भी दो एटम्स के बीच अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वो उन एटम्स के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग या टक्कर या भिड़ंत की वजह से बन रहा है, और इसी ओवरलैपिंग के बेस पर वो कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके का हो सकता है, या तो सिग्मा या फिर पाई। तो जिन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हम देख रहे हैं, एक बार उनकी शेप भी देख लेते हैं। और ये वही बचपन वाली ऑर्बिटल्स हैं, SPDF। सबसे पहले S ऑर्बिटल जो अभी हम देख भी चुके हैं, जिसकी स्फेरिकल शेप है। देन P ऑर्बिटल की कुछ ऐसी शेप होती है। फिर D ऑर्बिटल और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड लास्ट में F ऑर्बिटल, जिसकी काफ़ी ज़्यादा वेरिएटेड शेप्स हैं, विच आर डेफिनेटली नॉट इन अ सिलेबस। और अब इन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग और उस ओवरलैपिंग से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैसे डेराइव होते हैं, ये समझेंगे। बट बिफोर दैट, एक छोटी सी चीज जो कि शायद हम सब जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, बट कैसे, ये भी अभी हम ओवरलैपिंग के बाद समझ जाएंगे। अब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग समझने के लिए दो केसेस एज्यूम करो, जहां एक हाईवे है और दो कार्स एक दूसरे की तरफ फुल स्पीड में बढ़ रही हैं। नाउ फर्स्ट केस में कोई भी ब्रेक्स अप्लाई नहीं होते और वो पूरी स्पीड से एक दूसरे में भिड़ जाती हैं। एंड दिस इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन, बिकॉज कार्स आर लाइक दिस एंड उनके हेड एक दूसरे में भिड़ गए। बट दूसरे केस में ड्राइवर्स को दिख जाता है और वो ब्रेक लगा देते हैं, जिससे एकदम फिल्मी स्टाइल में कार स्लिप होती हैं और साइडवाइज मैनर में वो एक दूसरे में भिड़ जाती हैं। दे आर कार्स और ऐसे ब्रेक लगे और बूम। अरे कहना क्या चाहते हो? ये कार और ऑर्बिटल्स में क्या रिलेशन? डोंट वरी, अब इन कार के केसेस को अपने ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पे फिक्स करते हैं। तो पीपीटी के अकॉर्डिंग कोई भी दो एटम्स के बीच अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। और अगर वो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग के वक्त पूरी दम से एक दूसरे में आमने सामने से घुस जाएं, देन वो हेड ऑन ओवरलैपिंग कहलाएगी। और अगर दूसरे केस में वो ऑर्बिटल्स साइडवाइज मैनर में ओवरलैपिंग करें तो हम उसको साइडवाइज ओवरलैपिंग कहेंगे। और जैसा कि मैं अभी पीछे कार वाले केसेस में बता चुका हूँ कि हेड ऑन ओवरलैपिंग बहुत इफेक्टिव होती है, पूरी दम से होती है, मतलब जो रिजल्टिंग बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। वाइल इन अदर केस अगर हम पाई बॉन्ड में देखें तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में ब्रेक लग रहे थे, मतलब वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। दैट मींस जो रिजल्टिंग पाई बॉन्ड बनेगा दैट विल बी वीकर देन सिग्मा। अब इस झमेले को थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। देखो, मान लो कि कोई भी दो एटम्स के बीच ओवरलैपिंग हो रही है, एक ए एटम है एक बी एटम, और मैं मान लेता हूँ उनके पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये पी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और ये आपके पास ओवरलैप कर रहे हैं, जल्दी से बता दो क्या होगा, एक दूसरे में घुस जाएंगे और घुस के ये लोग क्या करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे। एंड दिस विल रिजल्ट इन दिस सिग्मा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ठीक है। और अगर मैं इसी पी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, मैं इसी पी ऑर्बिटल को एक्स एक्सिस में ले आऊं, मान लो ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे भी हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, दूसरी पी ऑर्बिटल, और तब ये आपस में भिड़ें, तब ये आपस में ओवरलैप करें, तो क्या होगा? ये आपके पास कुछ इस तरीके की ओवरलैपिंग हुई, ये आपके पास ओवरलैपिंग है, इसका मतलब ये क्या है, साइडवाइज ओवरलैपिंग। देखो, साइडवाइज ओवरलैपिंग है और इन्होंने क्या बनाया, आपके पास पाई बॉन्ड। अब भाई, हो सकता है इसमें आपको और कंफ्यूजन हो रहा हो बिकॉज दिस ओरिएंटेशन वगैरह वगैरह। तो भाई सोचो, ये वीडियो स्पेशली कंसंट्रेटेड है सिग्मा और पाई के डिफरेंस पे, तो मैं जितना बता सकता हूँ मैं उतना बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इन दी
ऑर्बिटल ऑफ आई मीन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में, तो आप जस्ट कमेंट कर देना और मैं एक स्पेशलाइज वीडियो बना दूंगा, डिटेल वीडियो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पे, ठीक है। नाउ अगर मैं थर्ड के पॉइंट में अगर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से और मैं एस ऑर्बिटल को ले आता हूँ, ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाइए, तो इसका इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली भाई एस ऑर्बिटल में ही रहेगा। एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होती है, जब स्फेरिकल होती है तब उसमें तो कोई ओरिएंटेशन ही नहीं है, तो हम कैसे भी कोलाइड कर लें ऐसे 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 किसी भी तरीके से हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होगी, आप खुद ही इमेजिन कर लो, बिकॉज देयर इज नो ओरिएंटेशन। अगर वो कोलाइड होगा तो हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होगी, मतलब एस ऑर्बिटल हमेशा क्या फॉर्म करेगा, सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करेगा, सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करेगा एस ऑर्बिटल। आप एक बात गांठ बांध लेना कि कभी भी एस ऑर्बिटल आए, अगर वो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं दो एस ऑर्बिटल, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, दे कैन नेवर फॉर्म द पाई बॉन्ड। नाउ एक और पॉइंट यहां से आता है कि जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो वो इस तरीके से हो रही है, तो जो ऑर्बिटल्स हैं उनका फ्री रोटेशन आपस में पॉसिबल होता है। ये डिफरेंस है, एक मेजर डिफरेंस है भाई, आपके एग्जाम वगैरह में भी आता है, ठीक है। उनका फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है आपके पास, किसमें, इन द केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, या हेड ऑन ओवरलैपिंग। जबकि अगर मैं पाई बॉन्ड में बात करता हूँ तो भाई जो बॉन्ड बना है वो कुछ इस तरीके से बना है, कुछ इस तरीके से बना है, तो अगर यहाँ पे उन्होंने रोटेट करने की कोशिश की तो ये पूरा बॉन्ड ही एकदम क्रिस्प हो जाएगा और टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पाई बॉन्ड में कभी भी फ्री रोटेशन ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, जबकि यहाँ पे पॉसिबल होता है। तो चलो यार, आप सारे पढ़े हुए डिफरेंसेस का एक बार रिवाइज मार लेते हैं। तो सिग्मा और पाई का पहला डिफरेंस तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही हो जाएगा, जहां सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है जबकि पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। सेकंड डिफरेंस, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैपिंग जबकि पाई बॉन्ड वीकर होता है। तीसरा डिफरेंस, एस ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, पाई बॉन्ड एस ऑर्बिटल से फॉर्म नहीं होता। एंड लास्ट डिफरेंस, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल होता है जबकि पाई बॉन्ड के अराउंड नहीं। अब इन डिफरेंस के बाद कुछ सरप्राइजिंग देख लो। हाउ मैनी नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेन टू इन फोर आयन। तो यार ऑब्वियसली ये क्वेश्चन देखकर किसी को भी यही लगेगा कि अभी तक की वीडियो बकवास थी जिसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। बट रिमेम्बर, वीडियो का टाइटल है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, जो कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। पर इस क्वेश्चन में हमसे किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स पूछा गया है, एंड ट्रस्ट मी, इस तरीके का एक हद क्वेश्चन तो तुम्हें हर साल ऐसे एग्जाम्स में देखने को मिल ही जाएगा। नंबर पक्के हो रहे हैं। तो अगर तुम भी ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करना चाहते हो तो ऊपर वाली वीडियो देख लो, जिसमें मैंने किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स निकालने की एक सिंपल सी ट्रिक दी है। और अगर सिर्फ डिफरेंस से तुम्हारा पेट भर गया हो या कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो नीचे वाली वीडियो देख लो। सो नाउ ये वीडियो तो यहीं खत्म हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।